हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहना था तो हर जगह हर वक्ता हर स्थान पे, बस ये सत्संग में जो निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ बाकी, चाहे एनिमल्स को ले लें या और कोई जूनी ले लें, उनके अंदर वो समझ नहीं होती, जिससे वो अपने आप का अस्तित्व, कि वो कहाँ से आए हैं, जिंदगी किस पर्पस के लिए है, और आगे जब ये जिंदगी, ये नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है, ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा है वो उसी की अंश हैं। तो अगर हम इस जिंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो खत्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर, एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ जी, இந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்து கொடுத்து மாதாஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த லீவான நாள்லேயும் உங்களுக்கு விடுமுறையான நாள்லேயும் நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி நண்பர்களோட உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் வந்து சத்சங் ரூபத்தில் வந்து இதை கொண்டாடணும்னு விரும்பினீங்க. இங்கே வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதே போல் மாதாஜி சொன்னாங்க, மகாபுருஷர் வந்து ஒரு ஒரு வருடமும் சென்னை வரணும்னு கேட்டாங்க, ஆனால் இந்த வருடத்துலேயே இது ரெண்டாவது முறை சென்னை தமிழ்நாடு வரா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே போல் சத்சங்கத்து இந்த சத்சங்கம் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, குரு நிரங்கார் என்கின்ற இந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சத்சங்கம். இப்போ மற்ற ஜீவினங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா, இந்த மிருகங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா, அவங்களுக்கும் இந்த மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா, நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளால் உணர முடியும்,
அதே உணர்ச்சி வச்சுதான் இந்த நிரங்கார் இந்த பரம்பொருள் எல்லோருக்குள்ளயும் இருக்கிற இந்த பரம்பொருள் ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ளயும் இருக்கிற இந்த நிரங்கார உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். அதே போலதான் சாத்சங்கத்து இதே ஞானத்தை தான் குருக்ஷேத்திரத்துல அர்ஜுனனுக்கும் அதே போல ரவிதாஸ் ஜி மீராஜி மற்றும் பல சந்துக்கும் குரு கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஞானம் இருந்ததுனால்தான் அவங்க வாழ்க்கை வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்ததுன்னு மாதாஜி சொல்ல வராங்க. ஜி ஜிஸ் தரா ये देखा जाता है कि अगर अभी जिक्र भी जिस तरह हुआ कि एक अंधकार रूपी कमरा है तो उसमें चाहे कितना भी घना अंधेरा हो सिर्फ एक छोटी सी कैंडल लाइट एक वो जर छोटी सी आग इतनी रोशनी कर देगी एक दीप इतना रोशनी कर देगा कि वो सालों साल का घना अंधेरा एक क्षण में जिस तरह वो अंधेरा नहीं रह जाता वो उजाले का संग कर लेता है तो इसलिए सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है. इसी तरह जीवन में अगर हम इस निरंकार को जान लें सबसे पहले यही है जिस तरह मिशन का नारा भी है एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ. तो ये एक क्या है ये एक इसी निरंकार को चाहे हर धर्म में इसको नाम अलग दिया गया है कोई गॉड कहता है कोई वाहेगुरु जी कहता है कोई अल्लाह कहता है कोई राम कहता है तो अंश में परमात्मा ये निरंकार जो एक ही है. तो जब तक हम इस एक को जानेंगे नहीं तब तक हम एक को मान भी नहीं सकते क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते जब तक नहीं है तब तक उसको मान भी नहीं सकते. तो एक बार इसको जानना इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी ही सबसे जरूरी है तभी हम मान भी पाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे कि इस एक में ही एकमिक हो जाएंगे. और अगर इसको उस रूप में भी देखें कि जीते जी भी अगर हम इस एक निरंकार को मानते हैं और ये हमें पता है कि हम सब आपस में चाहे शरीर कोई भी रंग का है चाहे रहते कोई भी स्टेट में है या फिर कोई खाना पहनावा ये सब तो अलग हो सकता है पर हम अल्टीमेटली उस एक से ही निकले हैं और हम एक भाईचारे रूप में इस एक होकर भी तभी रह सकते हैं. तो ये दोनों लेवल्स पे अगर ये बात देखी जाए कि एक को जानकर ही हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं. हाँ जी ஒரு வீட்ல இருட்டு எவ்வளோ இருட்டு இருந்தாலும் எவ்வளோ வருஷங்களா இருட்டு இருந்தாலும் ஒரு சின்ன தீபம் ஏற்றிதுல பல வருடங்களான இருட்டு போயிருது. அதே போலதான் சாட்சங்கிறது இந்த நிரங்காரோட ஞான் அதே போலதான் இந்த பிரம்மஞானம். இந்த பிரம்மஞானம் நமக்கு எப்போ கிடைக்கிறோ நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா விதமான இருட்டும் போயிடும். இந்த பிரம்மஞானத்தை எடுக்கும்போது அந்த மிஷின்ல சொல்ற மாதிரி சாட்சங்கிறது ஒன்றை அறிந்து அந்த ஒன்றை புரிந்து சாட்சங்கிறது ஒன்றை அறிவது ஒன்று அதுக்கப்புறம் அதை புரியுது. அறிந்தா மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்றாவே ஆயிர வேண்டியது சாட்சங்கத்து. அதுதான் சாட்சங்கிறது நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். நமக்கு எப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சோ இந்த உடை நம்ம சாப்பிட்றது இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு வச்சுக்க மாட்டோம். இந்த வேறுபாடெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனித வாழ்க்கையை வாழ்வோம் சாட்சங்கத். அப்பொழுதுதான் சாட்சங்கத் இந்த கடவுளை அறிஞ்சாதான் சாட்சங்கத் நம்மளால இந்த கடவுளை வேண்ட முடியும்னு மாதாஜி சொல்றாங்க. ஜி ஜிஸ் தரா ஹம் பச்பன் சே ஹி யே உதாரண் பி சுன்தே ஆயே ஹே கி ஆர் कॉमन सेंस वाइज भी अगर हम सोच के देखें कि एक पानी को अगर हमने उबालना है तो हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी. हमें जल चाहिए होगा हमें गैस या लकड़ी चाहिए होगी जिस और आग चाहिए होगी और सबसे ज़रूरी चीज़ एक वेसल चाहिए होगी जिसमें हम वो पानी को डालेंगे. अगर हम ये सोचें कि अगर आग ने ही उस पानी को उबालना है तो हम आग जला के डायरेक्टली अगर उस लकड़ी पे पानी फेंक कर देखें तो वो उबालेगी तो क्या उसने उस आग को ही बुझा देना है पानी ने. तो ये जो एक कंटेनर है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर आग का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो पानी उबल रहा है. तो ये जो कंटेनर जो मीडियम है उस पानी को होल्ड करने का वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें पूरे में गौर करने वाली कि किस तरह एक कंटेनर की वजह से ही हम पानी को एक जगह पर रखकर और उसको उबालकर उसकी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है. उसी तरह जीवन में हमें जब तक एक सच्चा संत नहीं मिलता जब तक हमें यही नहीं पता कि भटकाने वाले कौन हैं और हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन हैं एक वो ऐसा सच्चा कंटेनर नहीं मिलता जब तक तब तक हम
एक दूसरी अपनी एक स्टेट से दूसरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा मन है जो एक टाइम नफरत करता है, और जैसे ही हमें एक संत का संग मिल जाता है तो कैसे ही वही दिल जो मन में नफरत रख रहा था अब उसने अपनी स्टेट बदल ली और वो प्यार करने लग गया। हाँ जी सत्संग नम केपटो नम सूड पड़नोना अद्क नात्र अल सत्संग तेम इेटा ना तनिया ऊतीटे सूड़ पड़नों मुड़ा अब कंपा अत्र पात्र एव्वो मुख्य विषय अंतल अदपोल सत्संग नम्क पल नल आम्क रोम मुख्य और पात्र अपुरुषर नम्बर महापुरुष पात सदा उन्में विषय नम्बर अगर नमें कूटे वर्वा अदा नम उमजुन माताजी सुल्ला जी। जिस तरह अभी इस सत्संग के रूप में आप सब इतनी मर्यादा में बैठे हैं, इतने अपने उस कंडक्ट में बैठे हैं कि हमारा हम ध्यान से जो भी बातें आ रही हैं उसको सुन भी रहे हैं, उसको ग्रहण करके, पर बात सिर्फ वो नहीं है कि सत्संग का जो रूप है वो यहाँ पे सीमित हो जाएगा। इसके बाद जब हमने घरों को जाना है तो क्या जो आज यहाँ पे सीखा वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये हर एक को इधर आए आज ये सोचना है कि किस तरह ना कि सिर्फ बस सुने ही पर अपने मन में वो अच्छी बातों को डाल लें ताकि जो जीवन है आगे चलने वाला वो अंधकार में ना रहे। जिस तरह कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, कि किस तरह जैसे ही एक सूरज आता है तो अंधेरा चला जाता है, वही बात जैसे दासी कुछ देर पहले भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ये ऐसे ही होता है जब यहाँ आकर संतों की इतनी इनलाइटेंड बातें सुनते हैं, उनको अपने मन में बसाते हैं तो जीवन भी हम निरंकार की कृपा से ऐसा ही अपना कायम करें कि हर कोई हमारे जीवन में इस तरह ये स्पार्क देखे और बोले कि इस व्यक्ति का जीवन बाकियों के जीवन से अलग क्यों है। तो निरंकार कृपा करें कि आप सबको जिस तरह ये दर मिला है आप सब अपने जीवन में औरों को भी उस तरह प्रभावित करें कि किस तरह हम नैरो माइंडेडनेस को छोड़ के एक ब्रॉडर विजन रखें, हर चीज़ में विशालता रहे, नम्रता रहे, और ये गुण जो भी हम शुरू से सुनते हैं बचपन से कि एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो एक होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से ही एक इंसान को इंसान कहा जाता है, इंसान हम हैं इस शरीर में, तो सिर्फ ये ही नहीं है हमारी पैरामीटर की हम क्योंकि दो आंखें एक नाक और ये ऐसा आकार है तो इसीलिए ही हम इंसान नहीं हैं। अगर इंसान है तो वही बात मनुर्भव कि मनुष्य बनो, कि इंसान के शरीर में भी आके अगर इंसान बनने को बोला जा रहा है तो वो वही बात है कि वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इंसान असल रूप में कहा जाता है, वो सब हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में वो क्वालिटीज़ रखें ताकि हम सच में ये बात ना ही सिर्फ अपने तक रख सके बल्कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उस तक ये रख सके। हाँ जी सत्संग चिन्ह विषय இந்த உலகத்தில் சாத்சங்கத் எந்த ஒரு விஷயங்கள் நடந்தாலும் சாத்சங்கத் அது நல்லெண்ணத்தோடு நடக்கணும். அதே போல் சாத்சங்கத் இங்கே வந்து நம்ம சத்சங்கில் உட்காந்து இந்த நல்லெண்ணங்களை கேட்டால் மட்டும் போகாது, இதை சாத்சங்கத் இங்கே மட்டும் ஆனந்தம் எடுத்தால் போகாது, நம்ம வீட்டுக்கு போய் சாத்சங்கத் நம்மளோட பழகிறவங்க கிட்ட நம்ம அந்த அன்போடையும் அந்த பாசத்தோடையும் பழகணும்னு மாதாஜி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சாத்சங்கத் மனிதனோட வாழ்க்கை வந்து அவன் மனுஷன் எப்போ கூறப்படுறானோ அவங்ககிட்ட அந்த மனித தன்மைகள் அன்பு பாசம் பணிவு இதெல்லாம் இருக்கும்போது தான் அவன் மனிதன் கூறப்படுறது, இல்லைனா அவனை மனிதனாயும் மனிதன் கூறப்படுறது கிடையாது. அதனால இந்த விஷயங்களை நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்க நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கூடையும் நம்ம வந்து அன்போடையும் பாசத்தோடையும் பணிவோடையும் நடத்துக்கணும். அதே போல் இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் சாத்சங்க நம்மளை மனிதர்கள்னு கூப்பிட முடியும்னு சாத்சங்க மாதாஜி சொல்கிறாங்க. ஜி दिल्ली से तो निकले हुए एक महीने से ऊपर हो चुका है जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल, केरला और भी अन्य कुछ जगहों को कवर करने का मौका मिला और आज इधर फिर से तमिलनाडु आके आपके चरणों में रहकर भी बहुत जहां
खुशी है वहाँ, और अभी आगे भी है कुछ दिनों का टूर, और उसके बाद 29 जनवरी को वापस तासीले दिल्ली जाना है। तो उसी तरह आपका हर जगह जहाँ 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 भी सत्संग हुई है, यही भाव जो है वो देखकर दातार से यही अरदास निकलती है कि ये सत्संग रूप जो आपका है आज इस पंडाल में तक सीमित है। नंकार कृपा करे कि आगे से आगे एक दूसरे को उत्साह देते हुए हमने इस संगत में भी इजाफा करना है। सात संगत जी धन नंकार जी। सात संगत दिल्ली लेने कलंबी ஒரு மாதத்துக்கு மேல ஆகிவிட்டது சாத்சங்கத்து. இதற்கு இடையில் சாத்சங்கத்து ராஜஸ்தான், கேரளா மற்றும் மகாராஷ்டிரா இந்த இடங்கள் எல்லாம் போயிட்டு சாத்சங்கத்து இங்கே வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே போல் திருப்பி 29ஆம் தேதி டெல்லி கிளம்புற பிளானில் இருக்குது சாத்சங்கத். நங்கார் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்து இந்த சின்ன இடத்துல மட்டும் இத்தனை பேரோட சத்சங்கம் செய்கிறத விட இன்னமும் மேல் கொண்டு சாத்சங்கத்து இன்னும் அதிகமான நம்மளோட பிஹேவியர் சாசங்க நம்மளோட பழக்கங்களையும் நம்மளோட பணிவையும் பார்த்து இன்னும் இந்த மிஷன் பெருசாகணும்னு மாதாஜி கேட்டுக்கொள்கிறார். சத்சங்கத்தில் எல்லோரும் அன்போடு சொல்வோம். उतार की प्यार से कहिए